दोस्तों, स्वर्णिम विजय मशाल काफी चर्चाओं में रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर यह विषय चर्चा में क्यों है। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सशस्त्र सेनाओं को जीत मिलने के बाद इसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर 2 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2020 को विजय दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से स्वर्णिम विजय मशाल की शुरुआत की गई थी, जो आज भी चल रही है। आपको बता दें कि इस मशाल को देश के अलग अलग कोने में भी ले जाया जा रहा है, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों के घरों और 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेता सैनिकों के गांव में भी इस मशाल को पहुंचाया जा रहा है। यह मशाल उन सभी जवानों के शहादत को नमन करते हुए पूरे भारत में उनकी पराकाष्ठा को श्रद्धांजलि देते हुए पूरे भारत में भ्रमण करके इसे नेशनल वॉर मेमोरियल में लाया जाएगा। आइए इनसे जुड़े कुछ बातें भी जान लेते हैं। दोस्तों, इस युद्ध की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 को हुई थी और यह युद्ध 16 दिसंबर 1971 तक चला था। इस युद्ध को फॉल ऑफ ढाका भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस युद्ध में पाकिस्तान के हार के बाद दुनिया के सैन्य इतिहास में कई सारे रिकॉर्ड भी बन गए। इस लड़ाई के हारने के बाद पाकिस्तान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा सैनिकों के साथ सरेंडर करने वाला पहला देश बन गया। इस युद्ध में पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत और बांग्लादेश की आज़ादी के साथ 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नए फैक्ट के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।